महाराष्ट्र सरकार ने सेकेंड लॉकडाउन में ऑटो रिक्शा चालकों को 1,500 रुपए प्रति ऑटो रिक्शा चालक मदद देने की घोषणा की थी। 1.5 महीने बाद सभी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की। मुंबई के पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता संजय निरुपम पिछले 2 दिन से अलग अलग सेंटर पर जाकर रिक्शा चालकों को आवेदन करने में क्या तकलीफ आ रही है इसका जायजा लेना शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में संजय निरुपम ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए राज्य सरकार जो भी तैयारियां करनी चाहिए थी वह नहीं की, इसके कारण आज 2 महीने होने को आए हैं लेकिन ऑटो वालों को अभी तक 1,500 रुपए भी नहीं मिल पाए। राज्य सरकार ने जिस विभाग से ये काम दिया है वे फेलियर दिख रहा है। इस पर राज्य सरकार को कार्यवाही करते हुए रिक्शा वालों को तत्काल मदद उपलब्ध करवाने शुरू कर देनी चाहिए। लगभग 7.5 लाख ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ये घोषणा की थी कि लॉकडाउन की वजह से जो प्रभावित होंगे लोग उनको आर्थिक मदद करने के लिए वो 1,500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में देंगे। अब उनके बैंक अकाउंट में 1,500 रुपये देने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था और उनका जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से इनेबल करना जरूरी था। तो वो प्रक्रिया के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाया और एक लिंक ओपन लिंक का अनाउंस किया कि इस लिंक पे आप आ सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। अब ये वेबसाइट बनाने और लिंक की घोषणा होने में लगभग 1.5 महीने लग गए। अप्रैल पूरा निकल गया, आज 24 मई हो गया, मतलब मई भी आधा से ज़्यादा निकल गया है। अभी कहीं 1.5 महीने बाद 1,500 रुपये देने की जब प्रक्रिया शुरू हुई यानी जब वेबसाइट कंप्लीट हुआ तब हमको बोला गया कि 22 तारीख से आप लोग ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, अपने जिले में अपने साथियों के साथ बैठ करके लगभग 14 जगहों पे ऐसे जो हमारे ऑटो वाले साथी हैं उनका फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सेंटर ओपन किया। अलग अलग जगहों पे सेंटर काम चल रहा है। अब कल से परसों से हम लोग काम पे लगे हैं। तो कल और परसों तो हालत ये था कि ये वेबसाइट बंद ही था, पूरा का पूरा क्रैश हो गया था साइट। आज सुबह से बोला गया कि ओपन हो जाएगा। आज सुबह से हमारे राणा साहब यहाँ बैठे थे इनके सेंटर में जब रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ 4 ऑटो वालों का रजिस्ट्रेशन हुआ। मैं जब आया बैठा तो एक ऑटो वाले साथी आया, मैंने चलो आपका शुरू करते हैं, तो उनका डाल रहे हैं तो एक आ रहा है कि सर्वर डाउन हो गया। तो जो IT कंपनी है जिसको आपने पूरी एजेंसी दे रखी है, काम दे रखा है इस तरह का वेबसाइट बनाने और एक टेक्निकल बैकअप देने के लिए, ऐसी एजेंसी निकम्मी साबित हो रही है और ये सरकार के कामकाज के ऊपर एक बड़ा प्रश्न है। सरकार को ऐसी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और एक प्रॉपर सर्वर होना चाहिए जिसकी पूरी कैपेसिटी हो और इतना सारा लोड ले। आज पूरे मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के ऑटो वाले लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो इतने सारे लोग जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सर्वर की ताकत इतनी होनी चाहिए कि उसको झेल सके और सबको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में शामिल कर सके। दुर्भाग्यवश शासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खराब है और इसकी वजह से ऑटो वालों को बहुत टाइम लग रहा है। पूरा 2 दिन तो निकल गया, आज भी आधा दिन से ज़्यादा निकल चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है। 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये 40 ते 45 वेळा जंगलात आग लागायची घटना समोर आली। अशामध्ये आपण राज्याच्या मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे, हे आग आहे त्या ठिकाणी नवीन वस्ती बांधण्यात आणि त्यासाठी हायकोर्टाच्या जजची चौकशी करावी, काय या संदर्भात अधिक माहिती? खरी गोष्ट आहे, आपल्या इथे आरे कॉलनी जी आहे ही 3,162 एकरचा एरिया हा आरे कॉलनीचा आहे। आरे कॉलनी याला अशासाठी नाव पडलेलं आहे की मुंबई शहराला चांगलं दूध मिळावं म्हणून 1950 साली जी जागा आरे या पारसी व्यक्तीची जागा होती त्याला इंग्रजांनी दान केली होती किंवा दिली होती, बक्षीसपात्र दिली असेल आणि त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्र शासनाने ती जागा ताब्यात घेतली आणि त्याच्यावरून आरे या पारसी व्यक्तीवरून आरे कॉलनी ही नावं झाली। त्या ठिकाणी अनेक तबेले 30 तबेले आहेत आणि या तबेल्याच्या माध्यमातून चांगलं दूध मुंबई शहराला होल आणि टोन दूध त्यावेळेला मिळत असेल। तुमच्या आई वडील जे असतील ते सांगू शकतील की आपण दिल्ली घेऊन जायचो आणि होल आणि टोन दूध त्या आरे कॉलनीच्या माध्यमातून आपल्याला ते मिळायचे। तर अशा ठिकाणी आरे कॉलनीमध्ये झाडं कापणं, आगी लावणं आणि आगी लावून तिथे झोपड्या बांधणं हे कार्यक्रम नेहमी चालू असतात आणि या संदर्भात मी अनेक वेळा विधानसभेमध्ये देखील लक्षवेधी वगैरे लावली होती। जर त्या ठिकाणी एक चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर CEO तिथे बसलेला आहे, संपूर्ण यंत्रणा आहे, मग त्या ठिकाणी आगी लागतातच कशा? आगी लागल्यानंतर झोपड्या होतातच कशा आणि इतक्या झोपड्या का होतात आहेत? माझा प्रश्न असतो की पहिल्याने की असलेल्या लोकांना कायद्याप्रमाणे संरक्षित असतील, ज्यांना कायद्याने संरक्षण दिलेलं आहे, 1995 असेल, 2000 असेल, 2011 असेल,
तर त्या पद्धतीने त्या लोकांना सोयी सुविधा दिल्या पाहिजे. पण बाकीची लोक जी अनधिकृत बांधकामं करतात अशी झाडांची कत्तल करून आगी लावून ते याच्यावरती कुठेतरी शोध घेतला पाहिजे. आणि अनेक पत्र पाठवून देखील CEO ते कमिशनर आणि त्यांचे डिपार्टमेंट हलत नसेल तर याची चौकशी व्हायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र दिलेलं आहे की यांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चौकशी झाले याच्या मागचा कल्प्रिट कोण आहे, का म्हणून होत आहे हे शोधून काढणं हे महत्त्वाचं आहे.